मिक्सचर में कैसे माल मिलाया जाता है यहाँ? वो पहले हम बालू देंगे, देखिए बालू आ रहा है। एक गिरा, ये देखिए कैसे गिराता है। दो गिरा, सीमेंट लगे, सीमेंट हम सीमेंट में बनाते हैं, जिप्सम और चून नहीं देते हैं, लाइम और जिप्सम नहीं देते हैं। ये अढ़ाई गिरा, ये सीमेंट देखिए, सीमेंट दे रहे हैं बालू का ऊपर मिडिल में। इधर लाइए, इधर बालू का ऊपर फेंक देंगे। ये देखिए सीमेंट देगा मिडिल में, बस घुमाइए। अभी चालू करते हैं। ये बालू और सीमेंट जब वो मिक्स हो जाएगा, काला हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद हम आस डालेंगे। आस ला, ये बालू और सीमेंट मिल रहा है, सीमेंट सफेद वाला है इसीलिए ज्यादा काला नहीं दिखाई देता है। अभी मिल गया सीमेंट और बालू मिल गया, अभी हम आस देंगे, फ्लाई आस। ये देखिए डाल रहे हैं, एक गमला दिया, ये दूसरा गमला आ रहा है, दूसरे भी डाल दिए। अभी और एक सामान देंगे, वो जो स्टोन क्रशर का डस्ट होता है वो देंगे, दो गमला। ये आस और बालू और सीमेंट मिल गया, इसके बाद वो क्रशर का डस्ट डाल देंगे। ला क्रशर का डस्ट, ये देखिए पूरा मिल गया, मिक्स हो गया। एक दे दिया, ज्यादा फूल नहीं। ये दूसरा वाला भी डाल दिया, ठीक है ना, दूसरा वाला भी डाल दिया। अभी ये थोड़ा मिक्स हो जाए, उसके बाद पानी हम डालेंगे। पानी क्या होता है, सूखे और नमी इसको देखते हुए आपको पानी मिलाना होगा। हम देते हैं एक लीटर वाला डब्बा में, अभी डालते हैं पानी। ये देखिए डब्बा एक लीटर का, ये डाल रहा हूँ मिक्सर में। एक दो तीन, फिर देखते हैं क्या होता है कि माल का पोजीशन कैसा होता है। चार, पांच, पांच लीटर दे चुका हूं।
ये डाल रहा हूँ, 6 वाला डाल रहा हूँ, 6 लीटर दे दिया। अभी माल को देखेंगे, माल को देखने का तरीका एक दूसरा है। अगर आप दस्ताना पहने होंगे तो माल को अंदर से ला के इसे हाथ से मुठा कर लेंगे, मैं अभी करूँगा। उधर छोटा छोटा पानी का बूंद लग गया तो समझ लेना माल हो गया। मैं खाली हाथ से कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तेल आया, ऐसे कर लीजिए ऐसे। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और हाथ को देखिए, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा हाफ लीटर और लगेगा, पानी थोड़ा लगेगा तो हाथ में छोटा छोटा, समझ लीजिए माल हो गया। अभी आधा लीटर दे रहा हूँ, अब ये माल बन गया। ऐसे तो 4 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसको दिखाना होता है तो इसीलिए ज्यादा टाइम लिया। ऐसे देखिए, ये हो गया पूरा माल। ये देखिए पानी लग गया हाथ में, ये पूरा माल रेडी है। अभी निकालेंगे बाहर।